पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारा इन वासुदेव आओ मिल के बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम अपने ही कल्याण के लिए दूसरे अध्याय में प्रवेश किए हुए उस समय को उच्चकोटि के भक्त एवं जिज्ञासु अर्जुन द्वारा प्रश्न किए गए उत्तर को बड़े प्रसन्नता पूर्वक श्रवण कर रहे गए। आप जैसे साधक के जीवन में महाराज जी द्वारा दिए गए ये अनमोल उत्तर बहुत ही लाभकारी साबित हो रही है। चूंकि इसी के अनुरूप हमने अपने जीवन को ढाल लेना है, ढालते जा रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न था, आपको याद है, जो साधक से सिद्ध हो चुके हैं अर्थात परफेक्ट हो गए, वो जिंदा रहती है? महाराज जी ने हां कही, अवश्य तो रहती है। तो फिर उनके दैनिकचर्या क्या होती है? वो दिन भर क्या करती है? कुछ किया जाता है, कुछ उद्देश्य को सामने रखकर। उनका तो कोई उद्देश्य है नहीं, सारे उद्देश्य तो पूरे हो गए, वो तो कृत्य कृत्य हो गए। तो भगवान जो उत्तर दे रही है हमारे लिए कितना ही गुणकारी है। बढ़िए, आगे हम बढ़े। कल की बात फिर बारंबार विचार करने योग्य है, जो भगवान ने बताई कि वो राग देश से ऊपर उठ जाते हैं। स्वार्थ के अंदर मेरे सजनों मेरी देवियों जरा कान खड़े करके सुन लेना, राग द्वेष होता है। राग किसके साथ होता है? जो हमारे स्वार्थों को पूरा कर दे। स्वार्थों को पूरा करने के लिए, स्वार्थों को पूरा करता गए इसलिए तो राग हो जाता है, क्योंकि वो हमारे अनुकूल है। आज के विचित्र और निराले समय में हम उसी को अपने अनुकूल समझते हैं, चाहे पड़ोसी भी हो, भले हमारे खून का रिश्ता ना हो, जो हमारी उचित अनुचित बात में हा में हा मिलाता जाए, बिल्कुल कटाक्ष ना करे, कोई अनुरोध ना करे, हा में हा मिलाए, और चाहे कितने नजदीकी हो, जो हमारे किसी कार्यों में हमारी लाभ के लिए इनकार कर दे, तो वो हम उसे क्या कहते हैं? प्रतिकूल है हमारे, उसके साथ द्वेष हो जाता है। अब भगवान जी हमारे सरताज और मन के राजा, हमारे बेस्ट गाइड फ्रेंड और फिलोसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा श्रीमुख से फरमा रहे हैं कि ऐसे जीव जो परफेक्ट हो जाते हैं और फिर लौट के संसार में नहीं आते, आपने गौर किया होगा घर में जाकर, वो इन दोनों वृत्तियों से उठ जाते हैं ऊपर। क्यों? स्वार्थी को नहीं उनका। हमने उस दिन भी सुना था, स्वार्थ समाप्त और प्रभु प्राप्त। स्वार्थ के कारण से ये सारा संसार चल रहा है, सब संसार
एक स्वार्थ की वृत्ति को लेकर मेरे देवियों और सजनों ये संसार अपनी रौनक जमाए हुए गए, ऐसा कहने चाहिए, या अपने आप को एक अजीब हरकत में डाले हुए है ऐसे कह लेना चाहिए। ये तो एक सामान्य पुरुष की बात है ना, एक लेमैन, ये एक कॉमन मैन की बात है। लेकिन जो भगवान के प्यारे होते हैं वो न लेमैन है न कॉमन मैन है, बल्कि वो स्पेशल मैन है। उनको हम बोलते हैं देव पुरुष, सामान्य पुरुष नहीं, साधारण पुरुष नहीं, वो देव पुरुष है, वो है सुपरमैन, नॉट एन ऑर्डिनरी मैन बट सुपरमैन। ऐसे जीवों को एक ही धुन होती है कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को येन केन प्रकार इन पूरा कर लू। आयु उन्हें चौकड़ियां भर के जाती हुई अनुभव होती है, उनकी यही धुन महाराज जी की ओर उन्हें दौड़ाती है। उन्हें कोई स्वार्थ ही नहीं, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, कभी ना भूलना स्वार्थ के कारण से ही जी भगवान का प्यारा नहीं बन सकता, क्योंकि स्वार्थ से जी में हलचल मचती है। स्वार्थ, जरा इसके संधि छेद कर दो, स्वयं जमा अर्थ, अपना मतलब पूरा, स्वयं मैंने अपना, अर्थ मैंने मतलब, अपना मतलब पूरा करना, और वो भी चाहे किसी तरीके से हो, चाहे इंप्रॉपर तरीका हो, इलीगल तरीका हो, अवैध रूप से हो, ऐसे जीव अपना स्वार्थ पूरा करना। और आजकल के जमाने में स्वार्थ चरम सीमा को पहुंच चुका है, स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं कर दिया जाता, आए दिन दुर्घटनाएं आपके आंखों के सामने आती हैं। लेकिन उनमें एक आप जैसी भी देवियां, आप जैसे भी जीव होंगे जो स्वार्थ से ऊपर उठ जाती हैं, कब, जब कल्याण की शुभ इच्छा वो मेरे सजनों मेरी देवियों उठ खड़ी होती है कि मैंने अपना कल्याण करना है, ये कोई जीवन नहीं खाना पीना और बच्चे बना करके मर जाना। मन बगावत करता है कि ये तो दरिंदे परिंदे चिरिंदे सारे यही कह रहे और मैं भी इसमें कर गया तो मेरी उनमें विशेषता क्या रही। अति सुंदर, यहीं से परमार्थ का पहला पग शुरू हो जाता, याद रखना इस मार्ग का पहला पग, द वेरी फर्स्ट स्टेप टू परफेक्शन, जब हम डिस्टिंग्विश करती हैं हैवान और इंसान में। देवी हम तो इंसान है ना, हैवान तो यही कर रहा है खाना पीना भोगना, और आज इंसान भी यही करे और खास करके हमारे जैसे, तो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की क्रांति आ जाती है, हलचल मच जाती। नहीं, ये क्यों, चूंकि सत्वगुण बढ़ जाता है आप जैसों के अंदर, सत्वगुण के बढ़ने से जीव खामखा या अनायास मन भगवान में लगने लगता है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जाता है। भगवान करे ऐसा ही हो, आप में सत्वगुण की बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होती जाए और आप में यह क्रांति जरा गर्वा गर्व हो जाए कि यह इंसानियत नहीं है खाना पीना और अपने जैसे बच्चे बना के मर जाना। नहीं नहीं नहीं, इंसान का और भी कर्तव्य है, क्या, भगवान द्वारा बनाए गए धर्म को अपने जीवन में ढाल के कल्याण कर जाना, अपने आप को तलीन कर देना, फिर जन्म मरण के चक्कर में ना आना। ये विशेषता है इंसान में, बाकियों में ये विशेषता, उनमें ये रियलाइजेशन ही नहीं हो सकती, बाकी जीवों के अंदर ये नहीं हो सकता, चूंकि उनमें विशेष बुद्धि नहीं, आप में विशेष बुद्धि है। कौन सी, जिसमें के कारण से आप में एहसास का मादा पैदा होता है, और जब किसी के अंदर भी एहसास का मादा पैदा होता है उसमें इनकलाब आ जाता है, आंतरिक इनकलाब, सामाजिक नहीं, पारिवारिक नहीं, बल्कि आंतरिक इनकलाब, आंतरिक क्रांति, इंटरनल रेवोल्यूशन, इंटरनल रेवोल्यूशन। इंसान अपनी कमजोरियों को देखे लगता है, इतनी पैनी दृष्टि से वो अपना निरीक्षण करता है मेरे सजनों मेरी देवियों कि मैं कैसे इसे प्रकट करूं, चूंकि ये विषय अनुभव का है, वाणी का नहीं, भाषण का नहीं, कोई बहुत बड़ी बातें बना लेने का नहीं है। जब भी इंसान ने बनना होता है उसमें एहसास का मादा पैदा हो जाता है, फीलिंग,
कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसे बोलते फीलिंग, इसे बोलते एहसास। मतलब ये गुड क्वालिटी किसी में आई, बड़ी जल्दी वो देव पुरुष बन जाएगा। देव पुरुष हां, उनमें देवताओं के गुण आ जाएंगे, देवताओं के गुण। और देवताओं में तीन गुण तो विशेष होती हैं, दिव्य शक्ति, दिव्य बुद्धि। दिव्य शक्ति यानी डिवाइन पावर और डिवाइन इंटेलेक्ट, शाबाश, और डिवाइन दूरदर्शिता। ये तीन उनमें आ जाती है गुण, तो वो देवता कहलाती है। शाबाश अर्थात डिविनिटी, डिविनिटी तीनों में, दिव्यता तीनों में आ जाती है, मन में, बुद्धि में और अपने कर्मों में। मन में, बुद्धि में, मन में और अपने दैनिक कर्मों में। और ये आप में आती जा रही है, आपके बिना पुरुषार्थ की मेरी माता बेटियों, बुजुर्गों और मेरे अच्छे भाइयों, आप में खामखा आ रही है। तब राग द्वेष नहीं रहता, तब जी में एक ही धन है कि मैंने अपना कल्याण करना। तो बाबा मैंने अपना कल्याण करना है, ये क्या हमारा राग नहीं है? नहीं, इसको राग नहीं बोलते, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पिताजी के जदाद कलेना कोई आपका राग नहीं है, कोई आपका स्वार्थ नहीं है, ये तो स्वयमेव आपकी अपनी है ही। जीव का कल्याण करना, भजन करना, सिमरन करना, आवागमन से पार हो जाना, ओ मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ये कोई स्वार्थ नहीं कहलाता, ये हमारा बर्थ राइट है। बर्थ राइट जी सरकार, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हमारा पैदाइशी हक है। जैसे मैंने अभी अभी कहा, मां बाप के जदाद आपका पैदाइशी हक है, इसके लिए आपको कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, खामखा आपकी अपनी है। पिताजी ने आप अपनी पासबुक के साथ आपका अपना नाम दिया हुआ था, और पासबुक के अंदर मोटे अक्षर में लिखा हुआ ऊपर सिरे पर, आइदर आर सर्वाइवर, हम दोनों में से कोई भी रहेगा इस पासबुक को चालू रखेगा। पिताजी की डेथ के बाद आपने सर्टिफिकेट दे दिया बैंक में, डेथ सर्टिफिकेट। मेरे पिताजी चल बसे, अच्छा ये सर्टिफिकेट हमें दे दो, अब तुम इस पासबुक को चला सकते हो, बस वो दर्शन कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और सर्टिफिकेट रख लेंगे। अब लाखों रुपए खामखा आप मालिक बन गए, क्योंकि सर्वाइवर लिखा हुआ है, दोनों में से जो जिंदा रहेगा वही इस पासबुक को चालू कर सकता है, जारी कर सकता है। आइदर आर सर्वाइवर, जो सर्वाइव करेगा। तो वो बर्थराइट था, आप सगे बेटे हैं। इस तरह भगवान के ज्ञान का लेना, हम जीवों का, चुके हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी है। सुनो मेरी नेक देवियों, हम लोग भगवान के अभिन्न अंश है, उन्हीं की शक्ति से तो हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारा तन, मेरे सजनों, अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा। इसलिए कल्याण की इच्छा उठना यह स्वाभाविक है, चूंकि हम उनके अंश है ना, इसलिए इसको कामना नहीं बोलते। भगवान ने भी क्लियर किया, सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन ना हो धर्म, धर्म अनुकूल इच्छा, हजूर कहते ये मेरी है, धर्म अनुकूल, जो धर्म के मुताबिक हो, कल्याण के मुताबिक हो, इंसानियत के मुताबिक हो, वो इच्छा तो भगवान की प्रेरणा से उठती है। इसे हम कहेंगे डिवाइन इंस्पिरेशन या दिव्य प्रेरणा, वो भगवान की ओर से होती है। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हुआ आगे जाऊंगा। राग और द्वेष को देखते रहना, जन्म जन्मांतरों से ये हमारे साथ लगी हुई है। ये से बोलते हैं मानसिक वृत्तियां, ये हमारे जो मेंटल एटीट्यूड है, ये जन्म से हमारे पीछे है। जरा कोई हमारे अनुकूल हो गया तो राग हो गया, जरा सा किसी ने हमारा विरोध किया तो हमारे साथ द्वेष हो गया। यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसी के आधार पर ये संसार चालू है चारों ओर, और आजकल इन वृत्तियों का बोलबाला है। पर इन वृत्तियों का कोई आधार नहीं होता, निराधार, बेसलेस, जो आज आपके यहां में आ मिलाता। कभी आपने सोचा क्यों मिलाता है? चूंकि आप भी उसके स्वार्थ पूरे कर रहे हैं। पर आफ्टर ऑल कब तक, कब तक? हमारे पास तो लिमिटेड साधन है, हम कब तक उसके स्वार्थ को पूरा करेंगे? जिस दिन आपने कोई स्वार्थ पूरा ना किया या उसके मुताबिक आपने व्यवहार ना किया, आपके द्वारा की गई पिछले सारे एहसानों पर लकीर फिर जाएगी, हड़ताल फिर देगा अगला, नहीं नहीं ये अब अच्छा नहीं है। वो ये नहीं देखेगा कि इसके साधन इनके पास है कितने, और जो आपने पहले उपकार किए सब गोविंद गॉन।
इस चीज का कोई आधार नहीं माना जाता। ओ मेरे हिंदुस्तान में रहने वाले धार्मिक भाइयों, धार्मिक मेरी बेटियों, हैरान, देश का आधार कोई नहीं, बेस नहीं है। और जिनके साथ आप राग और फ्रेंड कहते हैं, हाँ नहीं ये फ्रेंड क्या है, ये फ्रेंड पक्के नहीं है, ये स्वार्थी टट्टू हैं, इनको हम अपने शब्दों में कहें कि तो ये क्या है, फसली बटेरे, फसल आई तो बटेरे आ गए और उन्होंने फसल को तबाह किया और उड़ारी मार लिया। ये फसली बटेरे हैं कि इनके स्वार्थ आपसे पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये आपके पक्के दोस्त नहीं है, इनको आप नहीं कह सकते फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। नो, ये तो फसली बटेरी है। इसलिए आज का स्वार्थी कल का द्वेषी बन सकता है, इन पर भरोसा नहीं। आप अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए भगवान ने कहा वो जीव मालिक की जात में तलीन हो जाती है जिनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं। ये आपने बड़ी बारीकी से देखना होगा कि मेरा किसी से राग यानी अट्रैक्शन, किसी से द्वेष यानी रिपल्शन देखना पड़ेगा बहुत बारीकी से। शायद आपका मन आपका ओवर जज कर ले, लेकिन आपने बड़े गंभीरता पूर्वक चिंतन करना होगा, राग द्वेष तो नहीं रहा। अगर राग द्वेष नहीं रहा तो भगवान ने बता दिया संसार का चिंतन दिन ब दिन कम हो जाएगा। मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, संसार के बारे में हमारे में संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे। राग द्वेष के कारण से ही संसार के बारे में हम संकल्प विकल्प करते थे, किसके गुजरे हुए समय भूतकाल के बारे में, वर्तमान में और भविष्य में मन जाता था। यदि राग द्वेष जा रहे तो ये पक्के लक्षण जे आपका मन प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाएगा। वो वेरी गुड, ना भुलाना ये मेरे भगवान की बात। आपका मन किस में रहेगा, वर्तमान में, बिल्कुल नहीं जाएगा, भूल के नहीं जाएगा भूतकाल में और भविष्य में। तब समझिए कि आपके ऊपर मेरे प्रभु जी की फुल कृपा। सुनो मेरी देवियों, लाख की एक बात, यदि आपका मन वर्तमान में जाता है और नहीं जाता भूत में, गड़े मुर्दे नहीं उखेड़ता और ना ही शेख चिली की तरह हवाई कले खिले किले खड़ा किया जाता है, तो समझिए महाराज जी आप की पद पूरी कृपा कर रहे, चूंकि वर्तमान में रहने वाला देव पुरुष बन जाता है, वो इधर उधर नहीं जाता। उसकी आवारागर्दी बंद, उसकी भागाभागी बंद, मन की चंचलता विक्षेपता सब बंद। आय खाई परमात्मा करे ये आदर्श अवस्था हम सब पे तारी हो जाए, हम सब पे ये अवस्था छा जाए कि हम वर्तमान में रहे। जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, यदि आप उनकी जीवनियां पढ़ा करें, उनमें ये गुण कुट कुट के भरा हुआ था, वो वर्तमान में रहते थे। और जिस काम में आए उसी में ही क्या गंभीरता पूर्वक गहराई में उतर जाते थे। आप में भी ये गुण आ जाना चाहिए, कल्याण करना ये विकासवाद का अंतिम डंडा है। विकासवाद को अगर सीढ़ी माना जाए तो ये उसकी उन्नति का अंतिम डंडा, दैट इज द लास्ट स्टेप, लास्ट एंड फाइनल स्टेप, लास्ट एंड फाइनल। इसके बाद तो जीव भगवान की जात में तलीन हो जाता है। इसलिए जरा सीरियसली इस पॉइंट को लेना, राग द्वेष हो सके तो हम किसी की भलाई तो कर देंगे, बुराई हमारे से कभी हो ही नहीं सकती, नहीं, वरना भगवान का यह फरमान हिल जाएगा सबकी भलाई में कहा है। भगवान के प्यारे चुके उनमें स्वार्थ नहीं, इसलिए सबका भला चाहेंगे, उनसे बुरा कभी नहीं हो सकता, बुरा बुद्धि में भी नहीं हो सकता, विचारों में भी नहीं हो सकता। क्रिया तो बड़ी दूर की बात रही, क्रिया का नंबर तीन पे आता है, पहले बुरा इरादा होता है किसी के प्रति, फिर बुरे विचार और बनते हैं, विचारों के बाद प्लानिंग और स्कीम बनती है, मैंने इसके ऐसे बुरा कर देना, तब जाके बुरा कर्म होता है नंबर थर्ड पर। पहले बुद्धि में अशुभ इरादा, फिर मन में अशुभ विचार, फिर उसकी प्लानिंग और स्कीम यानी उसके विरुद्ध योजनाएं बनाना, तो नंबर तीन पे आती है उसके विरुद्ध ठोस रूप में कोई कार्य कर लेना। तो आप में तो कभी बुरा इरादा ही नहीं आ सकता, बुरे विचार और बुरे कर्म तो बड़ी दूर की बात रहेगी। मेरी मालिक कितने खुश होती है ऐसे जीवों पर जो किसी के विरुद्ध इरादा ही नहीं करते। मुबारक हो मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, ओ मेरी महाराज जी की जात में तलीन हो जाने वाली देवियों, बुरा इरादा ही नहीं उठता, विचार तो बड़ी दूर की बात है।
ऐसे पर मेरे प्रभु जी की, मेरे दयालु कृपालु प्रभु की बड़ी कृपा होती है। ऐसे के दिन बड़े अच्छे होते हैं जो किसी के विरुद्ध कोई विचार नहीं करते, केवल अपनी साधना में लगे रहती हैं। जरा टटोलना अपने आप को और आप कमजोरी पाएंगे कि नहीं, मेरे में कमजोरी है, बिल्कुल नहीं उठना चाहिए किसी के विरुद्ध। यही एक दिल में तड़प पैदा कर लो कि मैंने इसी जन्म के अंदर अपना कल्याण करना 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 अवश्यमेव करना, चाहे मुझे कितनी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं खुशी खुशी उन मुसीबतों का सामना करूंगा। बस आप अपनी साधना में ही रहेंगे। जैसे अपनी आंखों के सामने लाइए दरखान, यानी कारपेंटर, वो एक मोटी लकड़ी में आर पार छेद करना चाहता है, तो उसके हाथ में, पुराण में पुरानी बात कह रहा हूं, आजकल तो बिजली की ड्रिल हो गया, बिजली का ड्रिल है, बच्चा कनेक्शन दिया और आर पार छेद फटाफट हो जाता है। लेकिन उन दिनों जब वर्मा कमानी का रिवाज था, वर्मा कमानी, अब भी गरीब आदमी, गरीब कारपेंटर वही इस्तेमाल करते हैं, वर्मा कमानी, वर्मा वो लोहे का बना हुआ और कमानी जो यूं लेकर के यूं यूं करते थे और नीचे छेद होता जाता है और वर्मा कमानी घुमाई जा रहे और छेद नीचे होता जा रहा है। अब उनका कई ध्यान नहीं होता, उसी में ही लगे हुए वर्मा कमानी में, कितना बड़ा छेद आर पार करना मैंने। इस तरह आप जैसे नेक जीव अपनी बुद्धि और मन अपना भगवान में लगाए रखती है कि मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना, उनका कहीं भी ख्याल नहीं जाता, उनका कहीं भी विचार नहीं जाता। इनको हम कहेंगे सेंट्रलाइज्ड मैन। बहुत फॉर्चुनेट होती हैं जिनका मन अपने लक्ष्य में रहता है। आजकल के गए बीते समय में बड़ा विचित्र लक्षण समय जा रहा है, मेरी बच्ची बड़ी अजीब करवटें ले रहा है ये समय। जो बातें कभी नहीं सुनी होंगी वो कलयुग आपको सुनाएगा, जो बातें कभी नहीं देखी होंगी आप इन्हीं चर्म चक्षु से देखेंगे। इन दिनों आप मेरे प्रभु जी की साधना कर रहे हैं अपने कल्याण के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए। ये तब होता है जब जागे पूर्व के कई जन्मों के शुभ संस्कार जाग जाते हैं, तब केवल मात्र तब। एक दिन में कोई सेठ नहीं बनता, कई वर्षों में उसने कमाई जोड़ी होती तब वो सेठ बनता, लाखों रुपए उसके बाद जुड़ जाता है। इस तरह कई जन्मों के शुभ संस्कार हमारी गीता कह रही है, इंसान के जब एक जन्म में इकट्ठे हो जाती है तभी वो दिन रात एक करते हुए साधना करता है, तभी वो महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन का अंग बना करके जिस महाराज जी ने उसे पैदा किया उसी जात में समा जाता, उसी में वो एक में को जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश, वाह बहुत अच्छे। अब आपने देखना है, यह आपका कर्तव्य है, राग द्वेष कहीं ना हो, अपनी साधना में मस्त, चूंकि ये बहुत बाधा है इस मार्ग में, बड़ी जोश बाधा है। जैसे कि तेज कार आ रही है, जल्दी पहुंचने को उनको तार गई है कि बेटा हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उसे कहीं हार्ट ट्रबल हो गई है, तो हॉस्पिटल तो बड़ी तेजी से जा रही है वो राजपुरा, तो इतनी तेज रफ्तार से तो आगे वो साइन बोर्ड आ गया, रोड क्लोज फॉर रिपेयर्स, सड़क मरम्मत के लिए बंद है। कितने झटके से ब्रेके लगा लेगा वो ड्राइवर, सड़क मरम्मत के लिए बंद, बड़े झटके से ब्रेक दे, मरेगा को कहा सड़क बंद कर दी गई है, रोड क्लोज फॉर रिपेयर्स। इस तरह आप चाहते हैं दिली रूप से कि मैं कल्याण कर जाऊं इसी जन्म में ही, और अगर आपने राग द्वेष कर लिया तो आपके रोड क्लोज फॉर रिपेयर होगी, आप आगे जा नहीं सकेंगे, अर्थात आपकी एकाग्रता बनेगी नहीं। हाउ आर यू मे ट्राई योर बेस्ट All in vain। अच्छा, ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, मेरे भाइयों, जहां ये ड्राइवर ने देखा कि एक इतना बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है वहां, यानी पट सूचना है सड़क मरम्मत के लिए बंद, तो मरना है उसने क्या, कैसी ची ची करती ब्रेक, ब्रेके लगती और कार के पहिए जाम हो जाती। हाँ, इस तरह पर आप अपने दुश्मन बन जाएंगे अपनी साधना में, यदि आप राग द्वेष करते रहेंगे तो। ना भूल के भी नहीं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं महाराज जी किस प्रसंग के अनुसार, कहीं भी नहीं ना, अगर इसी जन्म में अपना कल्याण कर, मैं तो स्पष्ट वक्ता हूं, स्पष्ट आपको कह रहा हूं, यदि इसी जन्म में अपने आप लॉन्ग जंप लेनी है,
बस कहीं किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, अपनी साधना से मतलब है, केवल अपनी साधना से। साधना का मतलब क्या होता है? अपनी कमजोरियों को निकालना। साधना का मतलब होता है जैसे कपड़े धोना, कपड़े धोने का मतलब क्या? मैल छुड़ाना। चार पांच दिन के कपड़े आपने पहने हुए, गर्मी का मौसम है, पसीना छूटता है और कईयों के हाथ इधर उधर के लगते हैं तो कपड़े खराब हो गए, फिर आप सफेद कपड़े पहनते हैं जल्दी मैला हो जाता या मैल जल्दी नजर आ जाती है, तो फिर क्या करना आपने? आपने कपड़े धोने हैं जल्दी जल्दी और मैल निकालनी है। जैसे कपड़े धोना होता है, अंदर से मैल निकालनी होती है। साधना का मतलब अंतःकरण की मैल निकालनी। जो अंतःकरण में मेरी नेगेटिव क्वालिटीज आ चुकी है, साधना का मतलब और कुछ नहीं बच्ची, अंतःकरण को निर्मल करना, विमल करना, स्वच्छ करना। साधना का मतलब ही होता है, साधक कौन? जो अंतःकरण की सफाई कर रहा है। जैसे किसी ने घर से बाहर आपको आवाज दी, मैं नहीं आ सकती, मैं कपड़े धो रही हूं, ऐसे साधक इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि वो अंतःकरण धो रहे हैं। जो अंतःकरण की सफाई कर रहा है उसे एक शास्त्रीय शब्दों में साधक कहती है। अंग्रेजी में कहना चाहेंगे तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। शाबाश, शाबाश। जैसे कोई डॉक्टर साहब है, कोई डॉक्टर है, तो वो अभी भी MBBS बने हैं, लेकिन अभी उनके प्रैक्टिस उसको बोलते हैं क्या? मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसलिए हमें कहा जाएगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। ये इस मार्ग में लग के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गुण गुण रह जाए, अब गुण मेरे सारे निकल जाए। तब एक विशेष शब्द है साधक, साधना कर रहा है क्या? नेगेटिव क्वालिटी को निकालकर पॉजिटिव को रखने के लिए। इसलिए उसमें लगन ही ऐसी लग, इतना रस आता है जैसे आपको आ रहा है। मैं बार बार कहता जा रहा हूं मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे भगवान की सुनिए, सुनी ना करना क्या? राग द्वेष नहीं, बड़ी बात है ये, बड़ी बात है। इसलिए इस मार्ग में कोई कोई लगता है, वरना इन्हीं वृत्तियों में फंस जाता। इस मार्ग में लगना फिर राग द्वेष ना, बिल्कुल अनुचित अनुचित अनुचित। आप खुद ही अपने मार्ग में बाधा बन गए, खुद ही रुकावट बन जाएगी। मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, बिल्कुल खुद ही अपना, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, बिल्कुल एक तरफ। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। बहुत बारीकी से अपने आप को देख लेना, कहीं राग द्वेष। जो कर्तव्य हमारा है हम भगवान के नाम पर कर देंगे, चाहे वो पारिवारिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है। तीन प्रकार की कर्तव्य होती है, पारिवारिक और आपका सामाजिक, तीसरे कर्तव्य होता है व्यक्तिगत। ये राग द्वेष हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है। हाँ, तो इसको नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंसान सारे दिन में तीन जगह घूमता है, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक। ये तीन जगह सारा दिन में तीन जगह घूमती है, पर्सनली, डोमेस्टिकली और सोशली। तीन जगह हम घूमते हैं मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों। इसलिए अपने पर दया करनी। कई जन्मों के बाद ये प्रभु ने हमें स्वर्ण अवसर दिया है। ये स्वर्ण अवसर हाथों से न चले जाए, बल्कि इसका हम पूरा पूरा लाभ उठाए। जितना हमारे से बन पड़े हम लाभ उठा ले। बस यही होती है, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं प्रेज, अब तुम्हें सिगरेट या बीड़ी और शराब छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं स्पष्ट कहता हूं कफन मंगवा ले और सराहने के नीचे रख ले, पता नहीं कब तेरी हार्ट ट्रबल हो जाए। डॉक्टर साहब का यही होता है कि अगर आप तूने ये परहेज ना किया, आप प्रिवेंशन से काम ना लिया, अभी तूने शराब पी या सिगरेट पिया तो मर जाएगा। कहीं की डेथ होगी, नहीं छोड़ा, मर जाए। अब तेरी अंदर से ऐसी हालत बनी पड़ी है इस तरह, अब जैसे कि हम कल्याण करना चाहते हैं, वी आर ऑल सीरियस, तो फिर आप भगवान जी कह रही है संयम से काम लेना। उधर हम प्रिवेंशन बोलते हैं, इधर अपनी भाषा में कहेंगे संयम। जरा संयम से काम ले लेना, क्या राग द्वेष से बचे रहना। मैं आज्ञा चाहूंगा, आगे बढ़ू। देख लो मेरी देवी, मैंने कहते एक सेकंड भी दिया राग द्वेष से बचे रहना, और आपने जगह जगह जाना होता है, समाज का मुंह रखने के लिए, रस्म रिवाज का मुंह रखने के लिए, अपने घर की इज्जत रखने के लिए, अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए, यू आर बाउंड टू अटेंड हेयर देयर एवरीवेयर, हेयर देयर एवरीवेयर। जाना पड़ेगा आपको,
लेकिन यह ध्यान देना है कि मैंने अपना कल्याण भी करना है। यह आपका व्यक्तिगत कर्तव्य, आपका पर्सनल कर्तव्य है। राग द्वेष आप अपने अपने आपको रखो, मैं आगे बढ़ूं, अपने मन में यह बात भली प्रकार रख ले, मेरी बेटी नारी का चोला है। और नारी का चोला मैं इसलिए शब्द कहता हूं, दोनों ही नरम है आपके, तन भी नरम और मन भी नरम, दोनों ही वीक है। और ये मार्ग जो गए, ये भगवान ने कहा किन के लिए है, अगर दिल गए मजबूत, ये मार्ग उनके लिए है जिनके मन बड़े मजबूत हो चुके हैं। और भगवान ने चुके आपको मां बनाना था, इसलिए तन भी नरम दे दिया और मन भी आपका नरम है, दोनों ही नरम है। और फिर भी आप अपना कल्याण चाहती है, तो क्या मीरा ने अपना तन मन नरम रखा? हाय बिल्कुल, दोनों को लोहा बनाकर रख दिया, स्टील बनाकर रख दिया मीरा ने, तन को भी और मन। किसी की जीवनी पढ़ो, करमैती बाई की जीवनी पढ़िए, किसी भी नारी की जीवनी पढ़िए, कि जरा दोनों ही उन्होंने स्टील बना लिए। किसी भी आपने जेंट्स की जीवनी पढ़ो, जो जेंट्स रूप पे उच्च कर गए, अब इस 20वीं शताब्दी के दो ही चोटी के महापुरुष हुए, विवेकानंद इंटरनेशनल, महात्मा गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, कितना अपने एक शेर दिल बन गए थे, दोनों ही शेर दिल बन के अपने अपने हिंदुस्तान के को चार चांद लगा दे विदेश के अंदर। शाबाश, विवेकानंद आपके पूर्व के महात्मा है, यह पक्का कर लिया, तख्त या तख्ता, या सिंहासन या चार भाइयों के कंधों पर शमशान की ओर, चार भाइयों के कंधों पर शमशान की ओर, ये उनके लिए ये मार्ग वाइड ओपन, बिल्कुल चौपट खुला है। जिन्होंने ये इरादे कर लिए उनको राग द्वेष नहीं छूता। बस ये आपने देखना है, हर एक का निजी पुरुषार्थ है और निजी प्रश्न है। समस्या तो मैं नहीं कह सकता अपने मुख से, निजी प्रश्न और निजी हर एक का कर्तव्य कि मैंने इस गंदी, इन दो गंदी वृत्तियों से बच जाना है। ये तो खोटी वृत्तियां कई हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, उन सबसे जबरदस्त दो वृत्तियां राग और द्वेष है। ये हमारे अंतःकरण में मेरे सजनों मेरी देवियों बड़ी गहरी उतरी हुई है, इनको निकालना तो खाला जी का घर नहीं, खाला फारसी शब्द है, मासी जी का घर, मासी घर में बिना पूछे आप अंदर चली जाओ। ये कहावत है मेरे देखने को, खाला जी का घर है, अर्थात कोई मां दी बहन लगी मासी, आहा मासी मां की तरह, कोई पूछने की जरूरत नहीं, मासी मैं आ गया। अच्छा, तो ये जो है राग द्वेष को निकालना कोई खाला जी का घर नहीं। आहा खाल मासी ने क्या होता है, एडमिशन विदाउट परमिशन, एडमिशन विदाउट परमिशन, हर घर में लिखा होता है नो एडमिशन, नो एडमिशन जो है विदाउट परमिशन, तो ये एडमिशन विदाउट परमिशन, कोई जरूरत नहीं है मासी घर में पूछने की, एवरी टाइम यू आर इनवाइटेड वेलकम। लेकिन राग इसको निकालो, मेरे प्रभु आपको शक्ति देंगे, मैं आपका हितैषी हूं, आपके हक में दुआ देता रहता हूं, आप भी अपने मालिक से जो अंतर्यामी है प्रार्थना के करें, दाता इन दो वृत्तियों को निकाल दो, आप मेरे पर विशेष कृपा करो, आप ही तो कह रहे हो ये बड़ी बाधा है, आप नहीं तो श्री गीता जी में कहा है इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। आपके चारों ओर दुनिया में हो क्या रहा है, अखबारें पढ़िए अपने चारों ओर क्या हो रहा है, चार अखबारें भरी पड़ी है राग और द्वेष से। आप गली मोहल्ले में क्या होता है, सारा दिन क्या होता है शहर के अंदर, राग और द्वेष, शपथ द्वेष में मार धाड़ कत्ल और सिर फोड़े जाते हैं, कचहरी और कचहरी मुकदमे चल जाते हैं, और राग से क्या अंदर कामनाएं वासनाएं इच्छाएं खड़ी जाती हैं। आप अपने प्रभु से प्रार्थना करना, मैं तो इतने कह सकता हूं, मेरे मालिक आपकी मानेंगे, आप दिल के सच्चे इरादे के पक्के हैं, मेरे प्रभु जरूर हां में हां मिलाएंगे और आपको अपनी ओर से दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। क्या किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, हमारे से जो बन पड़ेगा हम भला करते चले जाएंगे, और वो भी निस्वार्थ भला, दुनिया तो स्वार्थ रख के भला करती है, हमारे से जहां तक बने बनेगा करते कर रहे हैं और करते भी जाओगे, ये आपका स्वभाव बन चुका है, निस्वार्थ सेवा, सेवा निस्वार्थ सेवा तो होती भी वही है, वरना अगर वो सेवा कोई स्वार्थ वाली सेवा तो उसको तो शॉपिंग कहती है, दुकानदारी कहती है, 10 रुपए बनिया को दिए, 10 रुपए कई उसमें कुछ चीजें ले ली, हाँ आप कि मैंने सेवा की आपने मेरी सेवा, इसको सेवा थोड़ी कहते हैं,
ये तो शॉपिंग, गिविंग एंड टेकिंग, ये दुकानदारी है, ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। वाह, आज मैं आपके काम आया, कल मेरे काम आप आ जाएंगे, समाज चली इसी आधार पर रहा। लेकिन भगवान के प्यारे जो अपना कल्याण कर जाते हैं, उनके सामने कोई स्वार्थ नहीं, उनके सामने इंसानियत है, उनके सामने मानवता है, समझे मेरी बेटी, उन्हें मानवता मजबूर करती है कि मैंने अपना कल्याण कर जाना है। हाँ, मेरे से अगर इसका भला हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तो हमारे हिंदू धर्म में रग रग में भगवान के प्यारे में समाया होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे दाता मेरे द्वारा अनेकों को भला हो जाए। ये मेरे महाराज जी शायद उन्हें अपनी ओर से गिफ्ट में देते हैं, ये वृत्ति, ये मन की वृत्ति जो उनमें उठती है, भगवान की ओर से तोहफा है क्या, ये भगवान की ओर से डिवाइन गिफ्ट है क्या? मैं तो इसे गिफ्ट कहूंगा कि उनमें ये वृत्ति बड़ी गहरी उतर जाती है मेरे सज्जनों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे पीस बी ऑन टू ऑल, मे पीस बी ऑन टू ऑल, ऐसा भाव कलयुग के अंदर जबकि चारों ओर स्वार्थ का बोलबाला हो रहा हो, और ऐसे रब के प्यारे सबका भला करना चाहती हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। नहीं तो चारों ओर तो आवाज आती है, मतलब पड़नता मलन आन बुए, बिना मतलब मुंह दिखाए कोई कोई, ये तो सारे मतलब करते हैं, मतलब पड़नता मलन आन बुए, शाबाश। और रब दे प्यारे तो बिना मतलब ही के सबका भला कर देते हैं, बिना मतलब के। परमात्मा करेगा जैसे मेरी मालिक हमारी उन्नति के लिए प्रसंग चला रही है, ऐसी ही आपकी आंतरिक अवस्था बनेगी। अगर मां ने आपको कहा है कि जाओ रोटियां पकाओ, रसोई में जाओ, मां मैं जाती हूं, तो मां ने कहने से पहले वहां चकला वेला रखा होगा, वहां पर आटा गूंथ के रखा होगा, वहां पर प्लेथन अर्थात सूखा आटा भी जरूर पड़ा होगा, रोटी पकाने की सब सामग्री वहां होगी अगर मां ने कहा है तो। इससे अगर भगवान ने कहा है कि राग द्वेष से हट के मेरे में तलीन हो जाती है, तो भगवान ने सब समाप्त पैदा भी कर दिया होगा राग द्वेष दूर करने के लिए। चूंकि हम जो अपना कल्याण चाहते हैं, तो कल्याण जिन जिन साधनों से होगा, हो रहा है, भगवान जरूर ऐसे साधन भी देंगे। आगे चले, प्रसादे सर्व दुकाना हान्यस्य उपजायते, प्रसल्चेत सही आशु बुद्धि परी अवतीतते। हरिओम तत् सत्, हरिओम तत् सत्, हरिओम सत। सुनो मेरे अभाग्यशाली सज्जनों और देवियों, और सिद्धांत ले लो, मैंने कहा था गीता सिद्धांतों से भरी पड़ी है, जिस आधार पर भगवान जी प्रकृति चला रहे गए, ये सारी सृष्टि चल रही है, वो किन्हीं अटल सिद्धांतों के आधार पर। लो आज एक और सिद्धांत बता दिया, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते। प्रसादे शब्द है प्रसाद, आपके लबों पे पक्का हुए शब्द, भगवान का प्रसाद बांटो, ये शब्द है प्रसाद। प्रसाद होती है भगवान की कृपा, ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, ग्रेस ऑफ इष्टदेव। प्रसादे आप मतलब क्या, जब भगवान की कृपा होती है मन अपना तवाजन नहीं खोता। सुनो मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जिसकी जिसमें राग द्वेष नहीं रहा तो उसके अंदर क्या रहेगा, उसका मन टिका रहेगा, उसके मन का संतुलन, कल बड़ा विस्तार किया गया इस बात पर, उसके मन का संतुलन या बैलेंस अनबैलेंस नहीं होगा, संतुलन असंतुलन नहीं होगा, उसका तवाजन बना रहेगा। तो भगवान कहते हैं नाना प्रकार के दुख मुसीबतें क्लेश बाधाएं और जटिल समस्याएं आपके मन के टिके रहने पर ही खत्म हो जाएंगी। प्रसाद ये आधा श्लोक है, एकांत में बैठकर विचार कहना, मेरे कहने पर जरूर कहना मानना, और ये करना प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि से उपजायते। दिले पुरसकू में कहां आए रंज, के दुख दूर हो जाए मिट जाए
दिले पुर सकूं जिनका मन शांत, जिनका मन बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है। संतुलित मन में नाना प्रकार के क्लेश खत्म हो जाते हैं। अब ये होकर जब राग द्वेष नहीं रहेगा तब राग द्वेष ही हमारे मन को शफल कर देता है। रीशफलिंग, मेरे मुंह से निकला शब्द रीशफलिंग होता है। आप ताश खेल रही हैं, ताश खेलते कुछ पत्ते इधर उधर हो गए, तो आपने कहा भाई ताश को फिर कुट्टो, तो आप सारे बंजा पत्ते मिला के अब उसमें आपने यूं ये रीशफलिंग करना, नीचे पत्ते कुछ इधर के ऊपर, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, रीशफलिंग हो गई। हाँ, तो राग द्वेष ही हमारे मन को रीशफल कर देता है, रीशफलिंग बिल्कुल बिगाड़ के रख देता है। अब जिसमें राग द्वेष ही नहीं रहा मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, उसका मन स्टैंड स्टिल, स्टेबलाइज्ड। ये आजकल के जमाने में लाखों में आप जैसा कोई कोई होगा जो अपने मन को रीशफल होने दे, अपने मन को बिगड़ने ना दे, अपने आप में टिका रहे। लेकिन वो भगवान ने ऊपर बताया है साइकोलॉजिकली, जिसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं रहती, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन नो राग नो द्वेष, और मन अपने आप स्थिर हो गया। आप भगवान कहते हैं ऐसे का मन टिका रहता है नाना प्रकार के दुख। लो एक ये नियम है, आप पकड़ लो, जो अपने मन को बिगड़ने नहीं देगा नाना प्रकार की मुसीबतें, डिफिकल्टीज, मिजरीज, एफ्लिक्शंस, कॉम्प्लिकेशंस, हाँ सब गो, सब गॉन, आजमा के देख लो। ये नियम है बच्चे, जैसे दिन के बाद रात, ये नियम है, रात के बाद दिन, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ये भगवान का अटल नियम है। इसलिए ये भगवान जी नियम बना रहे कि जिसका अटल, जिसका मन शांत रहेगा, नाना प्रकार के क्लेश और दुख उसके अंदर नहीं रह सकते, वो चले जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अच्छा जी, दुख किसे कहती है? सारे इकट्ठे होके तेल लगाओ, तुम नहीं बता सकते दुख किसे कहती है। चलो शायद कोई बता दे तो मुझे बता दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। दुख की परिभाषा क्या है? मन की भटकन का नाम दुख। बड़े अच्छे बतरा, आप सुनिए, बिल्कुल ठीक है महाराज जी ने कहा मन की भटकन का नाम दुख, पर अगर कोई ऐसी घटना घट जाए और आपका मन भटकता ही नहीं तो दुख फिर किसका हुआ? कोई ऐसी दुर्घटना, में शब्द दुर लगाऊंगा, कोई ऐसी दुर्घटना घट गई लेकिन आपका मन ने उस भटका ही नहीं, आपके आप बड़े पक्के हैं, साधक साधक है, आपने क्या कहा ऐसी दुर्घटना घटी, आपको बताया गया दफ्तर के अंदर कोई भागा भागा गया, बताया बताया ये ऐसा हो गया एक्सीडेंट, तो बेटा वही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो आप देखिए, आपने रोना पिटना था पर आपने क्या, प्रभु जो आपकी इच्छा, आपने हाथ जुड़े सिर झुकाया, मेरे मालिक जो आप। अब इतना बड़ा दुख, इकलौता बेटा मर गया और ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हुआ और वही खत्म, और फिर आपने कहा दुख, तब दुख होता यदि आपका मन सफल कर जाता, यदि आपका मन हलचल में आ जाता, पर आपने हलचल में पड़ने नहीं दिया चूंकि आपने पहले काफी अभ्यास कर रखा। वाह, आपने पहले वैराग से अपने राग को खत्म कर रखा तो दुख दुख भी ना हुआ। प्रसाद सर्व दुखा नाम, देखिए भगवान के कहे दिले पुरसकू में कहां आए रंज, किस अवस्था की बात भगवान कर रहे हैं मेरे सजनों, मेरी देवी देख लो, शाबाश आपकी चार लड़कियां, फिर आपने भगवान से उम्मीद रखी और फिर मिडवाइफ ने बताया आप फिर लड़की, अच्छा पांचवी, अगर कोई और होती तो पिट मरती, आपने कहा अच्छा मेरे मालिक मैंने पांचवें कर्जा भी देना होगा, शाबाश ये मैंने कर, लेकिन आप रोए नहीं, अच्छे मेरे प्रभु। तो दुख तो तब दुख बनता है यदि आप अपने मन को हिला लेते, आपने हिलाया ही नहीं। तो अब ये एक सिद्धांत, ये आपके पर कई बातें बीती होंगी, दुख कब होता है? जब आप अपने मन को क्या डावाडोल कर रहे, मैं आपका मन भटक जाए किसी घटना से तब वो दुख, या बड़ी भारी मुसीबत आई पर आपने भटकाया ही नहीं, इसके लिए बड़ी तैयारी चाहिए, बड़ा वैराग चाहिए और वैराग के साथ बड़ा अभ्यास चाहिए, तब ऐसी बड़ी भारी घटनाएं घटे और आपका मन तवाजन बनाए रखे। इसलिए कोई परिभाषा नहीं दुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं, ये तो आपके मन के विषय है। वरना अगर आपकी ट्रेनिंग ना हो, छोटी सी बात का बतंगर बना लेंगे, आत्महत्या कर लेते, छोटी सी बात का, माल्टॉन की दुर्घटना, लड़का उसका मिलिट्री में था और उसके जिम्मे थी ये पहाड़ों में
वो लगे हुए हैं मिलिट्री मैन और ये वो, तो उसके लड़के की पत्नी क्या किसी अच्छी पोस्ट पर था, क्या काम था, नीचे बैंक से रुपया लेकर के ऊपर जाके बांटना अपने फौजियों को देना, तो वो लिए जा रहा था तो उलट गई उसकी जीप तो मर गया। तो ये खबर आई, वही सिर फोड़ दिया, पता ही शीशे की क्या चीज थी, आप भी डेथ डाइट देर एंड देन। मेरा लड़का गया, जीप उलट गई जी, और वो भी वहीं गया। काका ठहर, अकेला ना जा, मैं भी आया। कितनी दूर ये, अगर आप जैसे होता, अच्छा भगवान का प्यारा होता, मेरी बच्ची भगवान तेरा कल्याण करे, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा अभ्यास चाहिए, वरना उसने राय का के बहुत बड़े पहाड़ का और पहाड़ बनाकर रख दिया। दुख तब होता है जब मन बिगड़ जाए, और मन उसका बिगड़ता है जिसके अंदर अभी राग और द्वेष दोनों है, उसका मन बात ही बात में बिगड़ जाएगा, बात ही बात में, छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेगा, और बहुत बड़ी बात का भी आप राय समझ लेंगे यदि आप प्रैक्टिशनर हैं। अगर मेरी बच्चियां अभ्यास कर रही हैं तो, इसलिए मेरे भगवान कहते हैं क्या दिले पुर सकूं जिसका मन टिका हुआ है, कहां है रंज, कि दुख दूर हो जाए मिट जाए, ये पकड़ लो ना। भगवान कहते नाना प्रकार की मुसीबतें, दुख, बेचैनी, बेकरारी, और यहां तक जितने समस्याएं कोई मैंने नहीं रखती, यदि आपका मन हिलता नहीं तो, यदि आप अच्छी साधना कर रहे गए और अपने मन के तवाजन को बनाए रखती है, तो ऐसी जल्द साधना भी जल्दी हो जाती है। जिनका मन नहीं हिलेगा तो साधना करनी किसने है, हमारे किसी अंग ने करनी है, शरीर किसी अंग ने तो नहीं करनी, मेरे सजनों में देवियों हमारे तो मन ने साधना करनी है, और बड़ा सियाना है, बड़ी देवी सियानी है जो अपने मन को हिलाती नहीं, घर में घटनाएं होती रहेंगी। ऐसा कौन सा परिवार है, ऐसा कौन सा समाज है जहां मनुष्य जाति रहती और दुर्घटना न घटती हो, पर हिम्मत इसमें है अपना मन न भटकाया जाए, कोई घटना ना घटे ये हमारे बस की बात है नहीं, मुन्नी को बुखार ना हो ये हमारे बस की बात है नहीं, या एक्सीडेंट काका बाहर गया कोई एक्सीडेंट ना हो ये हमारे बस की बात है नहीं, उनका कर्म है, उनका कर्म चक्कर चल रही है, ये हमारे बस की बात है कि घटना घटे हमारे पर प्रभाव ना पड़े, ये किसी को बुखार ना हो ये हमारे बस की बात नहीं, किसी के ये ना हो ये हमारे को, हर एक जीव जो हमारे घर में बेटी बेटा पति पत्नी बने हैं तो अपने संस्कारों से बने, ये लेन देन के कर्जियां चुकेंगे, लेकिन ये हमारे बस की बात है कि हम इतनी साधना कर लें कि अपने मन को पक्का कर लें, आए गए वो इंसान असर जिस पे इनका, ये हमारे बस की बात है, बहुत अच्छी, इनका असर ना हो, गर्मी पड़ी हमारे बस की बात है गर्मी ना पड़े, लेकिन हम प्रबंध कर रहे हैं, पतले आप कपड़े पहन लेंगे, जुराबे नहीं पहनेंगे, बुनियाने नहीं अंदर एक दो पहनेंगे, पतली कमीज पहनेंगे, घर में आपने कूलर लगा लिए, पानी डाल दिया उसके अंदर और पानी से पंखा चला दिया तो हवा ठंडी आ रही है, आपके कमरे में गर्माहट नहीं होगी, ये आपका मन आकुल व्याकुल नहीं होगा, ये आपके बस की बात है, उसका प्रबंध करना आपके बस की बात है, गर्मी ना पड़े ये कभी हो सकता है ना, तो हमारे घर में दुख ना आए, हमारे घर में ये बकवास, ये तो होंगे अगर हमारे घर में दुख, उसके घर में नहीं आएंगे जिनके पुण्य किए हुए हैं, और अगर हमने सारी पुण्य की हो तो जन्म ही ना होता बेटी, अगर हमने पुण्य पुण्य की होती तो हमारा जन्म ही ना होता, जन्म होता है 80% पुण्य और 20% रजोगुण हो तब ये मनुष्य का चोला मिलता, आप जैसों को 80% पुण्य और 20% क्या पाप, तब ये अवसर ऐसा मिल जाता, तो जो 20% किए उसका रिएक्शन भी तो हमारे पर ही होना है ना, पर आप उसका बुरा ना मनाए, अपने मन के तवाजन को हिलने ना दे, ये हमारे बस की बात, कि महाराज जी के विचार ऐसे बिठा लिए जाए, इस अवस्था में भगवान जी कह रहे हैं दिले पुर सकूं में कहां आए, कि दुख दूर हो जाए मिट जाए, प्रसादे सर्व दुखानान हानि अस्य उपजायते, सारे दुखों के हानि हो जाती है जो अपने मन को बनाए रखता है, पर ये तब होगा, मैंने कहा अपने माना ये तो हो ही नहीं सकता यदि आप साधना कर रहे हैं तो, साधना करते करते मन पक्का हो जाता है, मन दृढ़ हो जाता है, उसे संसार की असलियत समझ आ जाती है, संसार में तो कभी कुछ और जो हमारे साथ मिले हैं वो संस्कारी जीव है, माता जी है, पिताजी है, बहन भाई है, ये हमारी पत्नी है, पति है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, वो क्या है, वो हमारे अपने ही है, शाबाश, वो हमारे अपने ही है, शाबाश। एक मेरे बच्ची ने वो मुझे कागज दिखाया तो मैं उसको चेक कर दूं, बच्चे आपने लिखा आवर फैमिली, गलत, आवर फैमिली होती है मां बाप की फैमिली,
ये आपकी अपनी है, माई फैमिली। ए पागल ग्रेजुएट हो, आवर फैमिली हो जब मां बाप में इकट्ठे आप रहती हो, आपकी तो अलग फैमिली है, मां बाप से अलग होगे तो लिखा करो माई फैमिली नॉट आवर फैमिली, मेरी अपनी फैमिली। तो मेरी फैमिली में ही तो राग द्वेष होता है। आवर फैमिली जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और मां बाप बहन भाई साहब इकट्ठे थे तो उसको हम अंग्रेजी बोलेंगे आवर फैमिली, जब आवर से आप अलग हो गए तो माई फैमिली, माई फैमिली में राग द्वेष हो जाएगा जरूर, आवर फैमिली में नहीं। अब इतनी अच्छी अवस्था, इतनी शानदार अवस्था मेरे परमात्मा ही बनाए। आपकी सिद्धांत तो यह है, क्या सिद्धांत? प्रसाद सर्व दुकान हानिय उपजायते, अगर तुम अपने तवाजन को बिगाड़ोगे नहीं, श्री भगवान वाच आकाशवाणी हुई, यदि अपने मन को बिगाड़ोगे नहीं तो नाना प्रकार के दुख मुसीबतें अपना समूह लेके चली जाएंगी। दुख तो तब दुख है ना जब आपने किसी घटना को, घटना के आने पर मन को हिला लिया, चूंकि मन की भटकन का नाम दुख है ना, आपने मन को भटकाया नहीं, जो तेरी इच्छा मेरे मालिक, इतना मन मजबूत कर रखा है, नारी होते भी आपने मन को इतना मजबूत कर लिया, जो आपकी इच्छा, मैं पिट पिट के मर जाऊं दाता तो कुछ क्या होना, क्या जो होना था वो तो हो गया दाता अपने कर्मों वश। हाय बहुत अच्छे मेरे देवी, बहुत अच्छे, इतना मन मजबूत, ऐसी दुर्घटना हो और आप अपने मन को टिकाए के दुख शर्मिंदा हो गया, मुसीबत शर्मिंदा हो गई, समस्या समस्या ही ना रही, जब आपने मालिक का शुक्र मना लिया, अच्छा मेरे प्रभु, अच्छा मेरे मालिक, इस अवस्था में भगवान जी कह रहे हैं उसके नाना प्रकार की मुसीबतें गई यदि उसने अपने मन को टिका रखा है तो। फिर सवाल हो सकता है आपकी ओर से, फिर ऐसी दुर्घटना घटी और मन हिले नहीं, कब? भगवान ने ऊपर बता दिया, जब राग द्वेष खत्म हो जाता है तब, तब केवल मात्र तब। अगर मुझे एक विशेष प्रकार का बुखार आता है, मानो किसी को विशेष बुखार आता है, जब तक उसकी कीटाणु नहीं जाएंगे, बुखार 101 पर 102 पर टिका हुआ, डॉक्टर साहब को ऐसी दवाई दे कि वो कीटाणु मारे जाए, कीटाणुओं के कारण से ही मेरे अंदर बुखार हो जाता, तो कीटाणु जाने चाहिए। हाँ, तो किस कारण से हम छोटी बात का बतंगर बनाते हैं? राग द्वेष की कीटाणुओं के कारण से। राग द्वेष जब चला जाता है, नाउ इट इज पॉसिबल, क्या आप अपने मन को लूज नहीं करेंगे, बैलेंस बनाए रखेंगे। हाय परमात्मा करे ये अवस्था हम सबकी बन जा चुके, हम अपना कल्याण चाहती हैं, घटनाएं तो घटेंगी बेटे। हाँ ये जरूर है कि आप मेरे भगवान के प्यारे, घटनाएं कम घटेंगी पर घटेंगी, ये मत क्या करो, हम भगवान के जाप भी करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी हमारे घर में ये मुसीबत आई, नहीं ये नहीं कहने चाहिए, मुसीबतें कम हो जाती है, ये नहीं कि मुसीबतें बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, नहीं मुसीबतें बहुत कम तो जरूर हो जाएंगी, लेकिन आप आए मुसीबत तो आपने बना ली जब आपने बिगड़ गए, अगर आप ना बिगड़ते तो मुसीबत कोई नहीं थी, शाबाश, कोई मुसीबत नहीं, यदि आप अपने आप को ना बिगाड़े तो। हम ना बिगाड़े कब? जब राग द्वेष निकाल दें तब। कीटाणु डॉक्टर साहब को ऐसे टीका लगाए कि अंदर बीमारी के कीटाणु चले जाए तो फिर आपको बुखार होगा ही नहीं, जब कारण नहीं तो कार्य कैसे? नो काज नो इफेक्ट, दुर्घटनाओं का और हमारे मन के हिलने का काज क्या है? राग और द्वेष। ये ध्यान से सुन लो, जब सैनी जी आपके मन के अंदर राग, कितनी दुर्घटना आपके घर में घटी है सैनी, भगवान ने ताकत दे रखी है आपको, मेरे मुंह से निकल गया आपका नाम, कितनी दुर्घटना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कृपा थी मेरे आपके ऊपर, मेरे प्रभु की, मेरे मालिक, एक जवान मरा, दूसरा जवान मरा, तीसरा जवान मर गया, हाय, तीन ही घर में जवान मर जाए, और वो डट के सत्संग में आता रहे और अपने भगवान के भजन में, तो आदमी नास्तिक हो जाता है। अगर ये मूर्ख बनते और इसको नेगेटिव साइड में ले लेते, क्या फायदा मेरे भजन करने का, सत्संग में आने का? मालिक हमारे घर में दुर्घटनाएं दुर्घटनाएं, लेकिन आपने अपने आप और ही विचारों में रख लिया, अच्छा मेरे मालिक जो तेरी रजा, रजा कह करके इन्हें अपने मन को
टिका लिया है। मेरे ऐसे सामने कई घटनाएं आती हैं जिन्हें अपने मन को भटकाया नहीं, दुर्घटनाएं हुई लेकिन मन को भटकाया नहीं, मन को टिका लिया। इतने बड़े जवान आते हैं संडे वाले दिन, इतने बड़े जवान ये सेहत और उनकी एक टांग कट जाए। 25 साल पहले कहीं गॉडरेज के अलमीरे के साथ गुजर रहे थे, घर से तो ठोकर लगी और वो आज जहर सारे पैर में फैल गई 25 साल बाद, और जगह जगह जाकर के रैल देते उनका फौरन कटवाओ वरना जांग से कटवाना पड़ेगी, जांग से टांग कटनी पड़ेगी। इतने जवान आप देखो मैं आप रो पड़ेंगे, इतनी अच्छी सेहत पहलवान और उनकी एक टांग गई लेकिन जर गए। हाथ जोड़ दिया भगवान के आगे, परिवार रो तो पड़ा, आंसू तो गिर गए लेकिन अच्छा मालिक, भगवान का भजन नहीं छोड़ा, भगवान का आपका सत्संग नहीं छोड़ा। यदि उस दिन आके किसी एक्सीडेंट वाले की जिसकी टांग कट गई थी और उसने आप गरीब आदमी ने प्रार्थना की कि मेरी टांग कट गई कोई मुझे टांग लगवा दो, उन्हीं भाई ने खड़े होकर कहा मैं इसका खर्चा सारा दूंगा, मैं जानता हूं कि टांग कट जाने का क्या दुख होता है जो कि मेरे पर बीत गई है। हालांकि आप सारे देना चाहते थे रुपया उस गरीब लड़के को लेकिन उन्होंने अकेले नहीं दिया, नहीं मैं जानता हूं कि टांग की कितनी कीमत है। बच्चे दुख तब दुख है, मुसीबत तब मुसीबत है, समस्या तब समस्या है यदि कमजोर मन उसको ऐसा मान लेता है तो। अगर उसने मान लिया, शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा है मेरे कहने पर, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार मेरे कहने पर जरूर पढ़ना, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, एक बार मेरे कहने पर ध्यान से पढ़ना। उसमें यही साबित किया गया है अगर आपने ऐसा किया तो फिर है मुसीबत, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर नहीं है। अगर आप ऐसा मान लें एज यू लाइक इट, ये बड़ी मुसीबत है एज यू लाइक इट, ये तो मुसीबत है ही कोई नहीं एज यू लाइक इट, हाय रब्बा मेरा ये देखिए जरा क्या है, ये बड़ी भारी मुसीबत है एज यू लाइक इट, और ये तो कुछ भी नहीं एज यू लाइक इट, हाय रब्बा कोई बहुत अच्छे हुए और मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ एज यू लाइक इट, तुम तो बड़े गंदे गाय पीते हो कुत्ते हो एज यू लाइक इट, हाय मेरे रब्बा आज दिन कुछ दिन पहले आकर मैं बहुत लाइक करती हूँ और कुछ दिन बाद आप कहते हो तुम तो अच्छे नहीं हो गंदे हो एज यू लाइक इट। वो बुरा ही नहीं बनाता, पहले मैं बहुत अच्छा था एज यू लाइक इट, अब तुम्हें और निश्चित देख रहे हो तो एज यू लाइक, आई मुझे कुत्ता कह रही है एज यू लाइक इट। ये वही इंसान होती है जो भगवान का भजन करने वाले, ये वही नीक जीव है जिन्होंने दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं, वो लक्की सोल है जिन्हें अपने मन को मजबूत, इसलिए भगवान ने कहा अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, आगे आप बोलना मैं आधा बुलाता हूँ, अगर दिल है मजबूत, अगर दिल है मजबूत जरा जान से बोलो, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, अगर दिल है मजबूत चिंता, और मजबूत मन ज्ञान से होता है, मजबूत मन विचारों से होता है, मजबूत मन विवेक और वैराग से होता है। और आप मेरे भगवान की चूटी का ज्ञान गीता के माध्यम से सुन रहे हैं, इससे दोनों मजबूत हो जाते हैं बुद्धि और मन, जब जो दोनों मजबूत हो जाएं तो तन भी मजबूत हो जाएगा, चूंकि अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती, यह आपका भारत और भारत की संस्कृति का घर गीता पुकार पुकार के आपको कह रही है, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। तो महाराज जी का ज्ञान दोनों को दुरुस्त करता है, अकल को भी और मन को। हिम्मत मारो मेरी देवी, आपका समय खत्म हो गया, हिम्मत मारो कि राग द्वेष न रहे, फिर क्या, फिर आपके मन का तवाजन बना रहेगा, नाना प्रकार की मुसीबतें दुख शर्मिंदा होके भाग जाएंगे, आएंगे लेकिन आपने माने नहीं, आपने उनको इतनी इतनी महत्ता ही नहीं दी, इतनी महत्ता ही नहीं दी तो दुख दुख ही नहीं है, मुसीबत मुसीबत ही नहीं है, समस्या समस्या ही नहीं है, जटिलता जटिलता ही नहीं है अगर आपने उसे इतनी वैल्यू नहीं दी या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। भगवान आपको दिव्य शक्ति प्रदान करें कि राग द्वेष से आप अपने आप को छुड़ा ले, आप अपने आप को निकाल ले। बड़े कड़े तजर्बे आपको जिंदगी में हुए हैं तभी आप भगवान के प्यारे बने, बड़े कड़े तजर्बे हुए हैं,
आहा। आखिर में एक कवि का शेर बोलता हुआ मैं खामोशी लूंगा। बड़ा अच्छा कवि कहता है तो साधारण शब्द पर कमाल कर गया। मैं वो फूल हूं बगीचे का, खिजा ने जिसे बर्बाद किया। खिजा कहते पतझड़। मैं वो एक खास फूल हूं, कई बार पतझड़ आई और मुझे मेरी पत्तियां बिखेर के चली गई, फिर मैं कली बना, फिर मैं खिड़ा, फिर खिजा यानी आपका पतझड़ आई, उनने मेरी एक एक कली को बिखेर कर रख दिया जमीन के ऊपर। मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया, अब किसी दामन से उलझूं मैं वो खार नहीं हूं। अब मैं किसी में अटक जाऊं, मैं वो कमीना गया भी तब खार कितने कांटे को, मैं वो कांटा नहीं हूं, अब कहीं उलझ जाऊं। मुझे बड़े तजर्बे हो चुके हैं मेरी देवियों, आपको जिंदगी के बड़े तजर्बे हो चुके हैं, अब किसी राग द्वेष से उलझे मैं वो खार नहीं हूं। मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया, अब किसी दामन से उलझूं मैं वो खार नहीं हूं। गुजरा हूं बाजार से खरीदार नहीं, रहता हूं दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। आओ मेरी बच्चे, आइए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। भगवत गीता है मेरे मित्रों, बड़े ध्यान से पढ़ा करो। भगवत गीता है मेरे मित्रों, बड़े ध्यान से पढ़ा करो। जोश खरोश में भर कर इसको जीवन में तुम गढ़ा करो। मत समझो ये जीवन केवल खाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। कर्म करो निष्काम भाव से, गीता जी का ये उपदेश। कर्म करो निष्काम भाव से, गीता जी का ये उपदेश। फल की चाहना छोड़ सजनों, कृष्ण प्रभु का ये आदेश। फल की चाहना छोड़ दो सजनों, कृष्ण प्रभु का ये आदेश। गीता का संदेश यही अपनाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। देह तेरा स्वरूप नहीं है, तेरी
क्यों गम से तू रहता चू, तेरा स्वरूप नहीं है, तेरी जात है नूर नूर, आनंद का घर है आत्मा तेरी, क्यों गम से तू रहता चूर। गीता जी का पाठ यही दोहराने के लिए प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। भक्तों को बारवा जाए भक्ति से जो है भरपूर, कृष्ण तुम्हारा मैं हूँ तेरा, इसी नशे में रहते चूर। भक्तों को बारवा जाए भक्ति से जो है भरपूर, कृष्ण तू मेरा मैं हूँ तेरा, इसी नशे में। गीता जी की भक्ति यही कमाने के लिए प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। शंकराचार्य तिलक गांधी करते रहेगी तो प्रचार, शंकराचार्य तिलक गांधी करते रहेगी तो प्रचार, एक से हुए अनेक पुजारी अब तो मित्रों कई हजार, एक से हुए अनेक पुजारी अब तो मित्रों कई हजार। गीता वही साधु ने सुनाई जगाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता वही साधु ने सुनाई जगाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
सदै भवन्तु सुखिनः सदै सन्तु निरामया सदै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफर करना इसने हार्दिक धन्यवाद।